बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म सम्राट पृथ्वीराज आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी ये फिल्म पृथ्वीराज रासो पर आधारित है। फिल्म को हिंदी के अलावा तमिल तेलुगु भाषा में भी रिलीज किया गया है। एक और सम्राट पृथ्वीराज फिल्म में जहां संयोगिता की प्रेम कहानी को दिखाया गया है, तो वही सन 1191 और सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई तराइन के युद्ध को भी दिखाया गया है। खास बात यह है कि मानुषी छिल्लर ने सम्राट पृथ्वीराज से एक्टिंग और बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया है। मानुषी छिल्लर ने साल 2017 में मिस वर्ल्ड का ताज भी जीता है। वही चंद्र प्रकाश त्रिवेदी की बात करें तो उन्होंने ही इस फिल्म को लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। ये फिल्म एक ड्रीम प्रोजेक्ट रही है, सिर्फ इसलिए ही सुर्खियों के कारण नहीं है, बल्कि सम्राट पृथ्वीराज का ट्रेलर आने के बाद इसको काफी विवाद भी झेलना पड़ा था और ये विवाद कोर्ट तक भी पहुंच गया था। फिलहाल इन सब चीजों को आउटसाइड में रखकर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखने लायक है या नहीं, ये हम आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी कहानी के बारे में। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म है। फिल्म को बड़े जोशीले अंदाज से पेश किया गया है, जिसमें इतिहास के महान सम्राट रहे पृथ्वीराज चौहान के संपूर्ण जीवन का ब्यौरा मिलता है। फिल्म की कहानी शुरू होती है मोहम्मद घोरी की गजनी राज्य से, जहां पृथ्वीराज उसकी कैद से बाहर आ रहे होते हैं। फिल्म की कहानी में पृथ्वीराज चौहान के जीवन में घटित घटनाओं को भी दिखाया गया है। पृथ्वीराज की वीरता, संघर्ष और संयोगिता के साथ उनके विवाह को भी बड़ी खूबसूरती के साथ फिल्माया गया है। फिल्म में आपको ये भी दिखाया गया है कि मोहम्मद घोरी को सम्राट पृथ्वीराज ने युद्ध में कैसे हराया और उनके साथ कौन कौन से लोग इस युद्ध का हिस्सा बने थे। तो ये था कहानी। अब बात करेंगे निदर्शन की। शौर्य गाथा के साथ साथ डायरेक्टर चंद्र प्रकाश त्रिवेदी ने रोमांस और इमोशंस दोनों को साथ रखा है। हालांकि फिल्म में संजय दत्त आंख पर पट्टी बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं, वे ऐसा पृथ्वीराज के कहने पर करते हैं। 300 करोड़ के बजट में बनी फिल्म और उसका सेट आपको पृथ्वीराज जमाने में लेकर जाएगा। फिल्म में अक्षय कुमार शेरों से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये शेर VFX नहीं है, ये असली शेर है। क्रू मेंबर्स इन सीन के लिए अफ्रीका गए थे और वहाँ प्रतीक्षित शेरों के साथ सीन शूट किए गए हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अब बात करेंगे अभिनय की, जिस पर फिल्म टिकी होती है। एक्टिंग की बात करें तो अक्षय कुमार से लेकर चंद वरदाई यानी सोनू सूद, मोहम्मद घोरी यानी मानव विज, संजय दत्त, आशुतोष राणा, साक्षी तंबर और मनोज जोशी अपने अपने किरदार से न्याय करते हुए नजर आए हैं। फिल्म की सपोर्टिंग स्टार कास्ट भी बेहतरीन है। बात करें डेब्यू एक्ट्रेस की तो मानुषी छिल्लर ने संयोगिता के किरदार में अपनी जान छिड़क दी है। हालांकि पहले हाफ में उनके सीन्स बहुत कम है, मगर दूसरे हाफ में मानुषी सबका दिल जीतने में कामयाब होती है। अब दोस्तों फिल्म देखे या नहीं, इस पर अगर बात करें तो सम्राट पृथ्वीराज फिल्म न सिर्फ एक राजा की शौर्य गाथा है, बल्कि एक इतिहास भी है। फिल्म में इतिहास में हुई घटनाओं के बारे में दिखाया गया है। इतिहास से प्रेम रखने वालों के लिए ये फिल्म जानकारी का भी स्रोत हो सकता है। अगर आप अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर जैसे स्टार कास्ट से सजी इस फिल्म को देखना चाहेंगे, साथ ही सोनू सूद का एक असाधारण तड़का भी देखना चाहेंगे, तो आपको जरूर थिएटर में जाना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।